मेरे व्यूअर्स हो रहे थे परेशान, बोल रहे थे भाई वीडियो लाओ बेस्ट टॉप डिवाइस अंडर 15,000 वाला वीडियो, तो मेरे होते हुए मैं कैसे होने तो आप लोगों को परेशान, तो ला चुका हूँ आप लोगों के लिए टॉप डिवाइस अंडर 10,000 वाला वीडियो। तो वीडियो को पूरा एंडिंग तक देखो, जब मैं तीन बेस्ट गेमिंग डिवाइस बताने वाला हूँ जो 15,000 के अंदर रेंज के लिए आते। तो हमारे थर्ड नंबर पे जो डिवाइस आता है वो है रियलमी 11 5G। तो ये आता है हमारे थर्ड नंबर वाला डिवाइस। अभी इस डिवाइस पे हम लोग को जो कैमरा देखने को मिलता है 50MP का रियर बैक कैमरा मिलता है, 50MP का फ्रंट कैमरा, 8MP का मिलता है। तो इतना कुछ खास कैमरा है नहीं इस फोन का। हम लोग को जो प्रोसेसर देखने को मिलता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 810 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक ठीक ठाक प्रोसेसर है भाई। और इसका जो हम लोग को FPS देखने को मिलता है 90Hz का डिस्प्ले मिलता है। तो 15,000 में भी 90Hz का डिस्प्ले एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ बन जाती है। आईफोन 13 भी 90Hz का डिस्प्ले नहीं देता यार, मैं क्या बताऊँ। अभी इस पर हम लोग जो बैटरी देखने को मिलता है वो एक बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ लगा मेरे को, इसका बैटरी एंड इसका इमेज। बहुत सारे अभी फोन के ब्रांड बैटरी एंड इमेज पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इस फोन में हम लोग जो बैटरी देखने को मिलता है 5000mAh का बैटरी देखने को मिलता है विथ 33W का चार्जर। तो भाई 5000mAh विथ 33W चार्जर अंडर 50,000 बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़ बन जाती है। और एक चीज़ जो BGMI को रन करने के लिए, गेम को रन करने के लिए मैटर करता है वो है एक फोन का एंटूटू स्कोर। तो हम लोग इस फोन पे जो एंटूटू स्कोर देखने को मिलता है 3,30,000 वाला एंटूटू स्कोर देखने को मिलता है इस फोन का। इतना कुछ खास है नहीं, बाकी आगे सुनो और अच्छे अच्छे डिवाइस है अंडर 15,000 के रेंज के अंदर। अभी हम लोग को सेकंड नंबर पे जो डिवाइस देखने को मिलता है वो मिलता है Infinix Zero 5G। अभी इस पे हम लोग जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो मिलता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 900 वाला प्रोसेसर, जो अंडर 15,000 के रेंज पे एक बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर बन जाता है। उसके साथ हम लोग को इसका FPS देखने को मिलता है, स्क्रीन हर्ट्ज का 120Hz का डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ बन जाती है। इसके प्राइस के हिसाब से भाई 120Hz का डिस्प्ले मिल रहा है भाई अंडर 15,000 एक बहुत ज़्यादा सही चीज़ है। इसका बैक कैमरा है 48MP का, फ्रंट कैमरा है 8MP का। तो ये दो चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत ज़्यादा एक अच्छा चीज़ लगा कि फ्रंट कैमरा भी मिल रहा है 16MP का, जो एक बहुत एक अच्छी चीज़ है। इसका हम लोग को बैटरी देखने को मिलता है 5000mAh का बैटरी देखने को मिलता है विथ 33W चार्जर। तो 15,000 पे भी ऐसे अच्छे अच्छे बैटरी एंड अच्छे पावर के चार्जर देखने को मिल रहे हैं, ये मेरे को बहुत एक अच्छा चीज़ लगा। अभी हम लोग को इस प्रोसेसर का जो एंड्रॉइड स्कोर देखने को मिलता है वो मिलता है 4,22,000 का एंड्रॉइड स्कोर। तो इस फोन पे है 4,22,000, तो एक बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ बन जाता है अंडर 15,000। तो अभी हमारे फर्स्ट नंबर पे जो डिवाइस आता है टॉप 3 गेमिंग डिवाइस के अंदर, जो फर्स्ट नंबर का डिवाइस है वो है भाई अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो IQ Z7 5G। तो ये हमारे फर्स्ट नंबर पर है डिवाइस। अभी इसके प्रोसेसर के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का 778G वाला प्रोसेसर है, जो एक बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर बन जाता है अंडर दिस प्राइस अगर बात करें तो। अभी इसका हम लोग जो डिस्प्ले का FPS देर को मिलता है 120Hz का डिस्प्ले देर को मिलता है, जो एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ बन जाती है भाई। 15,000 में 120Hz का डिस्प्ले भाई बात नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा एक सही चीज़ दे रहे हैं ये ब्रांड वाले। इसका हम लोग जो बैक कैमरा देखने को मिलता है और 64MP का बैक कैमरा देखने को मिलता है, जो एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ बन जाती है विथ 16MP फ्रंट कैमरा अंडर 15,000 ऐसा स्पेसिफिकेशन भाई मैं खुद ही सरप्राइज हो रहा हूँ। और इस पर हम लोग को जो बैटरी देखने को मिलता है 4,500mAh का बैटरी देखने को मिलता है, बाकी दो फोन से 500mAh कम। बट मैं बोलूँगा अगर आप BGMI के लिए ले रहे हो तो भाई ये 500mAh का मत सोचो, फोन बहुत ज़्यादा तगड़ा है, चीज़ बढ़िया है और प्राइस भी बहुत सही है। तो भाई मैं बोलूँगा इस फोन की तरफ आप लोग जा सकते हो विथ 66W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। और जो मेन चीज़ है गेमिंग को रन करने के लिए एंटूटू स्कोर, वो इस फोन का सबसे ज़्यादा है। 4,60,000 का एंटूटू स्कोर देखने को मिलता है हम लोग को इस फोन पे, जो एक बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ बन जाता है अंडर 15,000 भाई ऐसा एंटूटू स्कोर भाई देखने को नहीं मिलता। तो ये रहा हमारे बेस्ट टॉप 3 गेमिंग डिवाइस अंडर 15,000। तो आप लोग अगर चूज करना है कि आप लोग कौन सा डिवाइस दे, तो मैं आप लोग को 100% रिकमेंड करूंगा जो मैं लास्ट वाला मतलब फर्स्ट वाला जो मैं डिवाइस आप लोगों को रिकमेंड किया IQ Z7 5G, ये डिवाइस ले लो, आग बंद करके बेस्ट डिवाइस होगा अंडर 15,000 भाई। तो अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन हो तो मेरे इस वीडियो पे कमेंट करो, तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे आंसर मिल जाएगा। वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना भाई, मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी और अच्छे अच्छे गेमिंग वीडियो के लिए, और क्योंकि बहुत क्लोज सब्सक्राइब कर दो। तो मैं मिलता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टाटा।